क्या राकेश मिश्रा फायदा उठा रहे हैं त्रिशा कर मधु के इस बेबसी का? क्या त्रिशा के इस हालात पर राकेश मिश्रा सेक रहे हैं अपनी रोटी? जी हाँ, हम इस वीडियो में आप सभी को उस खबर से रूबरू कराने वाले हैं जो इस वक्त जोरों पर है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सभी चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि त्रिशा कर मधु के इस हालात पर राकेश मिश्रा का नाम कहाँ से आ रहा है, तो चलिए आप सभी को बता देते हैं पूरा माजरा। दरअसल राकेश मिश्रा ने 28 अगस्त को अपना एक गाना रिलीज किया, वायरल भैलू फेसबुक पर। और सबसे खास बात यह है कि इस गाने में राकेश मिश्रा के अपोजिट त्रिशा कर मधु हैं, यानी कि MS लीक होने के बाद यह त्रिशा का पहला म्यूजिक वीडियो है। इस गाने को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं लेकिन इस गाने का व्यूज अब तक 2 लाख भी टच नहीं कर पाया है। ऐसे में त्रिशा कर मधु के फैंस राकेश मिश्रा पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि राकेश मिश्रा मौके का फायदा उठा रहे हैं और त्रिशा के इस हालात में अपने गाने को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही इस गाने का जो टाइटल है वायरल भैलू फेसबुक पर, यह टाइटल त्रिशा के हालात से पूरा का पूरा मेल खा रहा है। लोगों का कहना है कि राकेश मौके का फायदा उठा रहे हैं और अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप सभी को ये बता दें कि भोजपुरी का कोई भी एक्टर अभी तक त्रिशा के सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ है और ऐसे में राकेश का त्रिशा के साथ का गाना रिलीज करने पर त्रिशा के सपोर्टर्स राकेश पर भड़के हुए हैं और उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। अब राकेश मिश्रा ने इस वक्त ही ये गाना क्यों रिलीज किया ये तो वही जाने। वेल, इस खबर पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप स्टार है, कोनो दिक्कत नहीं है, लोगों के दिमाग में गंदगी होला, आदमी के दिल में ना हो गया। मैं थोड़ा सा लाइव हूँ, आप कुछ बोल दीजिए मेरे पेज में। चलो, ये मधु हैं और जितने भी इनके फैन हैं सबको दिल से प्रणाम किए। अभी इन्होंने बहुत एक सुपरहिट गाना मेरे साथ किया है, आप लोग इनको प्यार और आशीर्वाद जैसे देते हैं वैसे ही दिया करिए। ये बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं, एक्टर भी बहुत अच्छी हैं, डांसर भी बहुत अच्छी, इंसान भी बहुत अच्छी है। ईश्वर इनके जीवन में और तरक्की दे, मेरी शुभकामना है इनके हमेशा। और आप लोग भी ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद इनको दिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का रिक्वेस्ट मैं पूरा कर लिया भैया।